अच्छा शेख, मैं इसमें एक चीज इजाफा कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर हमें किसी ने कहा कि आप ये वीडियो बनाइए, और अब मैं उस वीडियो का मतलब एंकर या मैं उस स्पीकर रहा, और मुझसे किसी ने वादा किया कि आपके जितने व्यूज आएंगे आपको उतनी सैलरी दे दी जाएगी, आपके व्यूज व्यूज के ऊपर जितना भी। जी जो पहला मसला है ना वो दूसरा, जो पहला मसला है वो जो आला से मुताल्लिक है, और ये जो दूसरा मसला है ये इजारा से मुताल्लिक है। इजारा मतलब आप वीडियो बना रहे हैं, आप एक काम कर रहे हैं, वीडियो उसी वीडियो जी की बुनियाद पर वो रकम आएगी, उसी हाँ वीडियो को देख करके रकम आएगी, तो ये इजारा है। जी और इजारा के अंदर उजरत मालूम होनी चाहिए, इजारा के अंदर उजरत मालूम होनी चाहिए। आप अगर मान लीजिए आप 2 दिन 4 दिन लगा करके एक फिल्म बना रहे हैं, आपको नहीं जी मालूम कि उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कुछ भी मालूम जी नहीं है। और उनका जी जो मसला है, उनका मसला ये है कि उन्होंने प्रचार किया तो उनको पैसा मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मालूम है आपको, तो ये मजबूल है बिल्कुल। मेरा ख्याल है उनका भी, वो भी वजाहत करेंगे, उनका भी ऐसे रहेगा कि आप जितने लोग देखेंगे, जितने लोगों तक आपके थ्रू से पहुंचेगा, उस एतवार से आपको उजरत मिलेगी, ऐसा कुछ देखिए है। देखिए, मैं जैसे कोई लिंक है किसी कंपनी का, उस लिंक को मैं शेयर जी करूंगा। अब मैं जाहिर है 100 लोगों को शेयर करूंगा तो 100 लोगों को पहुंचेगा, 200 को करूंगा 200 को पहुंचेगा। अब जितने लोगों को पहुंचेगा उसी एतबार से मुझे मुआवजा मिलेगा। लेकिन ये जो आपका अमल है वीडियो बनाने का, ये कितने लोग देखेंगे कुछ नहीं पता है। जी और वो जो अमल है वो तो मालूम है कि मैंने भेज दिया, मेरा काम हो गया, मुझे मुआवजा मिलेगा।